रामपुर शहबाद में बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व विजयदशमी धूमधाम के साथ मनाया गया। नगर के बिलारी बस अड्डे के सामने रामलीला मैदान में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने फीता काटकर नुक्कड़ रामलीला का उद्घाटन किया। यहां मंच पर रामलीला कमेटी द्वारा स्वागत किया गया। सुरेश बाबू गुप्ता, श्रीमती रेखा रानी शर्मा आदि का भी स्वागत किया गया। सभी ने विचार व्यक्त किए। इसके बाद रावण व श्री रामचंद्र का युद्ध हुआ। इसके तुरंत बाद रावण व मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। हजारों की संख्या में जनता जुटी रही। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी घनश्याम त्रिपाठी व पुलिस क्षेत्र अधिकारी नरेंद्र पाल सिंह, तहसीलदार महेंद्र बहादुर पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान मेले से बाहर पुतले दहन मैदान में आतिशबाजी का भव्य कार्यक्रम किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात थी। कोतवाल सुशील कुमार वर्मा ने सादे कपड़ों में भी पुलिस कर्मी तैनात किए हुए थे। चप्पे चप्पे पर महिला व पुरुष पुलिस मौजूद थी। पुतला दहन के बाद कार्यक्रम के अंत में पुतलों की अर्धजली बची लकड़ियों द्वारा प्रेत व्याधा व प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के अंधविश्वास के चलते पुतलों की जली हुई लकड़ियां बटोरने को लेकर लोगों की होड़ मच रही। बहुत प्यारे साथियों, भाइयों, बहनों, बड़ा हर्ष का विषय है कि शहबाद में परंपरागत दशहरे का त्यौहार मनाया जा रहा है और यहाँ की परंपरा रही है कि बड़े शांतिपूर्ण ढंग से यह त्यौहार हमेशा संपन्न होता है। मगर देख भी रहा हूँ कि यहाँ की जनता बड़ी अच्छी है। उद्योग के संयोजक हैं और जो आज के त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का है, ये आजकल उसी काम में भी लगे हुए हैं। जो पूरे जिले की बुराई थी, जो सब लोगों को विदित है, ये उसकी सफाई का काम भी कर रहे हैं। ऐसे युवा नेता, युवा साथी, युवाओं के प्रेरणा स्रोत आकाश कुमार सक्सेना और हनी जी अपने बीच उपस्थित है। मैं आप लोगों के बीच में ज्यादा बाधक नहीं बनूंगा। 15 दिन की रामलीला का आपने जीना है तो हर सांस को तलवार बना लो, मदीना व हस्ती खुदार बना लो, जीने ना देंगे तुम्हें ये अहिंसा के पुजारी। भाई साहब ने संकेत किया था कानपुर में, जीने ना देंगे तुम्हें अहिंसा के पुजारी, तुम भी अपने को अर्जुन और कर्ण बना।